Pujari Haresh Brahmbad. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द भगवा हिंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और यूरोप में बढ़ते हिंदू धर्म के बारे में। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। भले ही हमारे देश में हिंदू संस्कृति को लेकर बवाल होता हो, लेकिन शक्तिशाली देशों में शामिल अमेरिका दिन प्रतिदिन भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। अमेरिकी लोगों का रुझान हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि एक दिन क्या समुच्चय अमेरिका हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू किसी के लिए सनातन धर्म तो किसी के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। विश्व के पुराने धर्मों से एक हिंदू धर्म जिसके विचारों और संस्कृति से प्रभावित होकर समुच्चय अमेरिका हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। साल हजारों की संख्या में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अखंड भारत के हिस्सों के बाद अमेरिका ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एक दौर वो था जब अमेरिका की सरजमीन पर हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था। धर्म पे विश्वास को अंधविश्वास का नाम दिया जाता था। धर्म से जुड़ी आस्था को आडंबर का नाम दिया जाता था। और उसी अमेरिका की सरजमीन पर योग किया जा रहा है, सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, गायत्री मंत्र से लेकर चतुर्वेदों का जाप भी किया जा रहा है। अमरीकी ईसाइयों से लेकर यहूदी लोग हाथ में कलावा बांध रहे हैं, हिंदू परंपराओं के साथ अपनों का श्राद्ध कर रहे हैं, वह इसी धर्म की शिक्षा भी ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन हिंदू धर्म अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका में आम से लेकर खास बड़ी बड़ी शक्तियां हिंदू धर्म को अपना चुकी है। इन्हीं चीजों को देखकर लगता है कि नास्त्रोदमस की हिंदू धर्म की उदय वाली भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। कहा जा रहा है क्योंकि जहां मार्क जुकरबर्ग ने अभी सफलता के पीछे नीम करोली बाबा का राज बताया है, वही दूसरी अमेरिकी सांसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। वही हॉलीवुड के कई बड़े चेहरे अपनी जिंदगी में हिंदुत्व का रंग भर रहे हैं। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग लोगों की किस्मत बनाने वाले नीम करोली बाबा के आगे नतमस्तक होने नैनीताल गए थे, वो भी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स से कहने के बाद। स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें महाबली हनुमान के रूप में माने जाने वाले नीम करोली बाबा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। वहीं बतौर अमेरिकन सीनेट तुलसी गैबार्ड ने गीता पर हार रखकर शपथ ग्रहण की। और हाल ही में हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सिल्वेस्टर स्टोलेन भारत अपने बेटे का हिंदू परंपराओं से शराब करने आए थे। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जॉन्टी ड्रॉस ने मानसिक शांति के लिए हिंदू मंदिरों में यज्ञ और हवन किया। अमेरिकी लोग हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। माना जा रहा है आने वाले समय में भारत के बाद अमेरिका ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र होगा। जिस तरह बड़े बड़े लोग आम लोग भी हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो यही लगता है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति में हिंदू धर्म बड़ी तेजी के साथ विकसित होगा। बाकी आप वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 1400 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं नई वीडियो 1600 यानी 1600 सब्सक्राइबर्स पे डालूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।